दोस्तों, समझदार इंसान से की गई कुछ बातें हज़ारों किताब पढ़ने से भी बेहतर होती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड 2023 की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, और गाइस फर्स्ट T20 मैच की हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज मैच एंड टॉस विनर, उसके अलावा मैच की बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी की। सो ये फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस आयरलैंड। ये सीरीज स्टार्ट हो रही है 18 अगस्त 2023 से, और गाइस दोपहर 1:30 बजे मैच खेला जाएगा एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आगे बात करेंगे तो वेन्यू रहेगा द विलेज स्टेडियम डबलिन आयरलैंड, और गाइस टॉस विनर की जानकारी थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी। फिलहाल बात करते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड्स की। तो एंड्रयू बालबर्नी खेल रहे हैं आयरलैंड से, पॉल स्टर्लिंग कैप्टन है, उनके अलावा लॉर्कन टकर, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, नील रॉक, जॉर्ज डॉकरल, मार्क अडेयर, बैरी मैकार्टी, जोशुआ लिटिल, बेंजामिन वाइट। इंडिया से खेल रहे हैं ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह कैप्टन है, उनके अलावा खेल रहे हैं हर्षदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा एंड रवि बिश्नोई। ये प्लेयर्स हैं गाइस इस टीम से। सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, स्पेशली कोई भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सारे एकदम फ्रेश स्क्वाड है। आगे बात करते हैं हेड टू हेड दोनों ही टीमों के। तो गाइस अब तक हेड टू हेड जो है इंडिया वर्सेस आयरलैंड का, तो उसमें 5 मैचेस खेले गए हैं, 5 में से 5 इंडिया ने जीते हैं और लॉस एक भी मैच नहीं हुआ है। 9 रिजल्ट 0 मैचेस में रहा है। इंडिया का हाई स्कोर रहा है 225, आयरलैंड का 221, इंडिया का लो स्कोर रहा है 111, आयरलैंड का 70। सो गाइस द विलेज स्टेडियम जो है इसको मलाहिडे स्टेडियम भी कहा जाता है। तो गाइस यहाँ की जो पिच है काफ़ी फ्लैट है और बाउंस काफ़ी अच्छा ऑफर करती है, बैटर्स को अच्छे शॉट्स खेलने का आराम से मौका मिलता है, बाउंस काफ़ी अच्छा रहता है। आउटफील्ड यहाँ की ग्राउंड की फास्ट होती है क्योंकि बहुत छोटी बाउंड्रीज हैं और गैप जो होता है यहाँ पे वो फील्डर्स अच्छे से कैरी नहीं कर पाते क्योंकि बॉल की स्पीड बहुत तेज़ होती है। यहाँ पर बैटिंग करना ईजी रहता है और सिक्स लगाने में भी बहुत आसानी रहती है। पेसर्स को यहाँ पे कुछ असिस्टेंस जनरेट कर सकते हैं पिच से, और अगर थोड़ा बड़ा पार्ट अगर लें पेसर्स इन कंपैरिजन टू बॉलर्स, तो उनको काफ़ी अच्छा एडवांटेज यहाँ मिल सकता है। सो ये है गाइस, यहाँ पर जनरली जो स्कोर रहता है वो ज़्यादा बहुत हाई नहीं रहता है, 150 के अंडर ही रहता है। तो ये है गाइस यहाँ का T20 का। फिलहाल ये था गाइस पिच रिपोर्ट। बात करते हैं मैच विनर टॉस विनर की। तो गाइस मैच एंड टॉस विनर की इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको बिल्कुल फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आने वाले वीक्स में कोई भी टूर्नामेंट होंगे, कोई भी मैचेस होंगे, इवन इंक्लूडिंग दिस मैच के अंदर कोई भी चेंज आता है, अपडेट आता है, तो हम आपको सब टेलीग्राम पे देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।